शिवपुरी जिला चिकित्सालय अपनी सुर्खियों में हमेशा बना रहता है। वहीं आज शिवपुरी के जिला अस्पताल में सीने में दर्द की शिकायत को लेकर भर्ती हुए एक मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया, डॉक्टर पर इलाज न करने एवं लापरवाही बरतने के आरोप भी लगाए। मामले को लेकर एक आवेदन भी मृतक के परिजनों ने थाना प्रभारी कोतवाली को सौंपा है। दरअसल वृंदावन धाकड़ निवासी कनाखेड़ी 32 वर्ष को आज सुबह सीने में दर्द उठा। जब उसने अपने परिजनों को बताया तो वह उसे इलाज के लिए सुखदेव हॉस्पिटल लेकर आए, जहां वृंदावन की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जब परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए तो उन्होंने डॉक्टर संतोष पाठक को दिखाया और इलाज करने के लिए कहा। मृतक के परिजनों ने बताया कि डॉक्टर संतोष पाठक ने वृंदावन को नहीं देखा और उसका इलाज करने से मना कर दिया और चले गए। वहीं जब दूसरे डॉक्टर ने चेक किया तो बताया कि मरीज की मौत हो चुकी है। इतना सुनते ही मृतक के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया और डॉक्टर संतोष पाठक पर इलाज न करने एवं लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जैसे तैसे मामले को निपटाया। वहीं परिजनों ने कोतवाली पुलिस को एक आवेदन दिया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। और जो कि चिकित्सक का आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने देखा नहीं मरीज को और उसकी डेथ हो गई। एक मृत व्यक्ति को मरीज तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मरीज तो भाई बीमार व्यक्ति होता है। एक मृत व्यक्ति को जो है इनके द्वारा लगभग 11 बजे के आसपास एक मरीज को लेके आया गया 11:15 के आसपास, जो कि मृत अवस्था में था। और इनके द्वारा बताया गया कि किसी प्राइवेट अस्पताल में इनके द्वारा पहले इलाज किया गया था और इसको चेस्ट पेन की शिकायत थी, सीने में दर्द की। सीने में दर्द का इलाज किसी प्राइवेट अस्पताल में कराया गया था, इसके पश्चात यहाँ लेके आए थे, जो कि मृत अवस्था में लेके आए थे। तो लगातार परिजन उनके सर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, वही कह रहे हैं डॉक्टर ने उन्हें अटेंड नहीं किया, क्या हुआ? अभी तो यहाँ मृत अवस्था में लेके आए थे और मैं तो खुद स्ट्रेचर के साथ गया था। मरीज जैसे ही वो लेके आए मैं खुद बाहर निकला, एक व्यक्ति चिल्ला के आया डॉक्टर साहब डॉक्टर कहाँ। मैं तुरंत गया बाहर गैलरी में और स्ट्रेचर पे मरीज था, मैं स्ट्रेचर अंदर गया है ना, और मैंने उसको चेक किया, वो मृत था। सर किसी डॉक्टर वगैरह पे भी आरोप लगा रहे हैं कि उन डॉक्टर ने उनसे बोला कि हमारा काम नहीं है देखने का, तो क्या? अब मैं तो क्या उस समय मरीज को देखने में व्यस्त था, तो मुझे ये नहीं पता है कौन से डॉक्टर ने क्या कहा। 2-3 डॉक्टर शायद उस समय थे, तब के कौन से डॉक्टर साहब से इनकी बहस हुई मुझे ठीक आइडिया नहीं है, लेकिन वहाँ 2-3 डॉक्टर तो थे। डॉक्टर साहब एक परिजनों ने हंगामा किया है, मरीज लेके आए थे तो डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। मरीज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से, मरीज के परिजन मरीज को किसी प्राइवेट अस्पताल से मृत अवस्था में लेकर आए थे। ड्यूटी पर ऊपर से डॉक्टर साहब द्वारा मरीज को तुरंत अटेंड किया गया और जाँच की गई और जाँच के दौरान उसको मृत घोषित कर दिया गया। मरीज की मृत्यु हो चुकी थी और मरीज के परिजनों को बता दिया गया था कि मरीज की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद मरीज के परिजन अनावश्यक रूप से हंगामा करने लगे। नहीं वो सर कहीं ना कहीं आप ही भी कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं पाठक जी ने हमसे ये कहा था कि मेरा कोई ये काम नहीं है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मरीज के को डॉक्टर साहब ने तुरंत डिक्लेयर कर दिया, उसके परिजनों को बता दिया, उसके बावजूद वे अनावश्यक हंगामा कर रहे थे। बाकी ऐसी की बात नहीं है, मैंने भी देखा, डॉक्टर साहब ने भी देखा, सबने देखा। मतलब कहना ये है कि जब वो जिला अस्पताल में लाए थे जब वो डेड था, बिल्कुल जो जस्ट जब लाया गया तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी पहले ही। थोड़ा सा दर्द हुआ दिल में, कोई शिकायत नहीं, बढ़िया बोलता आया। तो उसके इससे पहले प्राइवेट नर्सिंग होम में वहाँ ले गए तो उन्होंने बोला भाई साहब सरकारी ले जाओ। कना केड़ी ये कौन थे आप? हमारे बहने हुए लाए थे, वो सरकारी ले जाओ। नहीं ये डॉक्टरों ने इनने मना कर दी देखने का, वो भाग गया यहाँ से, मेरा काम नहीं है देखने का। अच्छा हाँ, और टाटी दे रहा था पुलिस की, पुलिस को फोन लगाओ। हाँ आई थी पुलिस, हम कुछ नहीं, उनकी सस्पेंड की जाए कार्रवाई करेंगे, आवेदन लिख लिया है, सस्पेंड किया जाए तो तत्काल कार्रवाई हो उन पर। जब भी बॉडी को हटाएंगे हम रिश्वत, हम नहीं हटाएंगे इनको, नहीं हाँ नहीं हटाएंगे हम, उन कार्रवाई की जाए उन पर। अभी पैसा दे दो तो करने लगते, ये पैसे लेते हैं साले मरीजों से। क्या नाम है आपका? राकेश धाकड़। सर जो अभी एक जिला अस्पताल में है, एक व्यक्ति को लापरवाही के कारण मौत का हो गई है, उसके परिजन आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर पर लापरवाही का, क्या कुछ मामला? एक कनाखेड़ी का रहने वाला है मृतक वृंदावन धाकड़, और उसके सीने में दर्द हुआ था तो उसको गांव वाले लेके तत्काल सुखदेव हॉस्पिटल गए थे।
सुखदेव हॉस्पिटल में कुछ इलाज किया था और उनके द्वारा यहाँ जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया था। यहाँ पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। उनके परिजनों का ये आरोप है कि कुछ डॉक्टरों ने सही तरीके से उसका इलाज नहीं किया और लापरवाही की है, ये उन्होंने आरोप लगाया है और उनसे हमने अभी लिखित में आवेदन लिया जिसको हम जाँच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भेजेंगे। भाई परिजन ये कह रहे हैं जब तक उन पर अपराध कायम नहीं होता है वो डेड बॉडी यहाँ से नहीं ले जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं, उनको समझाना पड़ेगा, उसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाएगा वो जाँच। सर एक मजनू की पिटाई हुई थी सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।